गेंदों को मैं खेल रहा था। मकसूद जो बोल रहे थे कि सेमीफाइनल कामना शिल्पा और अनिमेश इंडिया वर्सेस इंग्लैंड सेमीफाइनल एडिलेड में होगा। एडिलेड के ग्राउंड पर गेंदबाजों को अगर हम कंपैरेटिवली देखें दोनों देशों के, एक तरफ मार्क वुड, आदिल राशिद, मोइन अली, क्रिस वोक्स और एक तरफ अर्शदीप सिंह, भुवनेश्वर, अश्विन और शमी। बॉलिंग अटैक, पेस अटैक किसका ज्यादा धारदार है? इंडिया का कहूंगा। इंडिया, मैं भी इंडिया के साथ हूँ। पेस अटैक बिल्कुल इंडिया, देखिए इंडिया का हम अभी जिस हिसाब से देख रहे हैं पूरे टूर्नामेंट कमाल की प्रोग्रेस है। मार्कुन ने प्रभावित किया है, मार्कुन ने अच्छी बॉलिंग की है। चलिए इंडिया वर्सेस इंग्लैंड पेस अटैक किसका ज्यादा धारदार है? देखिए पेस अटैक नो डाउट धारदार इंग्लैंड का है, लेकिन इस टाइम पर भुवनेश्वर कुमार, अर्शदीप और मोहम्मद शमी की जो तिकड़ी है वो बाकी सब पर भारी है। बिल्कुल ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि इस टाइम आप तीनों गेंदबाज आपके बहुत बेहतरीन परफॉर्मेंस दे रहे हैं। आप भुवनेश्वर कुमार की मेलबर्न के इसी पिच पर अभी जो उन्होंने पहला ओवर और दूसरा ओवर लगातार जो दो ओवर भुवनेश्वर कुमार ने डाले, आप एक एक गेंद उठा के देख लीजिए, अगर एक भी खराब गेंद भुवनेश्वर कुमार ने आज फेंकी हो, एक भी खराब डिलीवरी उन्होंने गेंद की दी। बेहतरीन, इसमें मैं एक बात जोड़ना चाहूंगा, वर्ल्ड कप से पहले यही तीन प्लेयर थे जिन पर सबसे कम भरोसा जताया जा रहा था। हर्षदीप उस कैच छोड़ने के बाद लगातार दबाव में थे, उनको वही दबाव कहीं ना कहीं उन पर भारी पड़ रहा था। भुवनेश्वर कुमार हर 19वें ओवर में लगातार खराब परफॉर्मेंस के कारण बहुत ज्यादा आलोचना का शिकार हो रहे थे। मोहम्मद शमी जो आपकी प्लेइंग 11 में कोई आप उनको देख ही नहीं रहे थे, और लगातार जब बहुत आलोचकों का सवाल भी उठ रहा था उसके बाद भी आखिरी जब अभ्यास मैच खेलने में आपको टीम अनाउंस करनी थी तब आप मोहम्मद शमी को सामने लेकर आए। ये एक सवाल है जिन पर भरोसा नहीं था जो दुरुक का इक्का साबित हो रहे हैं। कारण भी है इसके पीछे आपकी हमारी टीम में एक बहुत बेहतरीन प्लेयर्स थे, बुमराह थे, रविंद्र जडेजा थे, वर्ल्ड कप से पहले दोनों अनफिट हो गए, दोनों चोटिल हो गए। ऐसे में टीम की जो एक सच एक होता है कि आपकी टीम में एक सामंजस्य जो बिठाया गया था, एक टीम जो ऑलरेडी तैयार थी उसमें बदलाव करने पड़े, जिससे क्या हुआ कि हर कोई काफी परेशान था कि अब क्या वर्ल्ड कप में हम आगे जा पाएंगे। बिल्कुल कामना, इस सवाल का जवाब शिल्पा से लें, उससे पहले अपडेट दे दें 14 ओवर खत्म हो चुके हैं, 96 रन बना लिए हैं जिम्बाब्वे ने और 6 विकेट भी गंवाए हैं, उनके हाथ में अब केवल 4 विकेट हैं और भारत जीत के करीब है। धीरे धीरे 187 का टारगेट टीम इंडिया ने रखा था इस आखिरी मैच में सुपर 12 के, इसके बाद अब भारत सेमीफाइनल खेलेगा। तो सेमीफाइनल पर अगला सवाल लेंगे विजय, अगर जॉस बटलर कैप्टन वर्सेस कैप्टन, बटलर आउट ऑफ फॉर्म थे, नए नए कप्तान बने हैं लेकिन अभी वो रफ्तार पकड़ रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, भारत के कप्तान रोहित शर्मा, उनकी रफ्तार स्लो दिन ब दिन गिरती जा रही है। कैप्टन वर्सेस कैप्टन, रफ्तार पकड़ रहे हैं लेकिन झुंझलाने में, कैप्टन वर्सेस वो इस जल्दबाजी में रहते हैं कि कब वो पवेलियन इन पर जाएं और वहां जाकर आराम करें, जैसे कि आदर्श कुछ देर पहले चाय और बिस्किट का मजा ले रहे थे, जैसे कुछ देर पहले आदर्श चाय और बिस्किट का मजा ले रहे थे। और रोहित शर्मा की एक और खासियत है कि वो ड्रेसिंग रूम से प्रोत्साहित करने में माहिर है, लेकिन ग्राउंड पर रहकर वो खिलाड़ियों को जितना ज्यादा उन्हें उत्साहित करना चाहिए नाकाम रहते हैं। झिझराहट जो है रोहित शर्मा की, मतलब वो अगर कहा जाए कि एग्रेशन में रहते हैं, जिस तरह के गुस्से में।